टाइप वन अरबी की सब्जी के लिए हमने सबसे पहले ये अरबी ली है, इसको हमने ये थोड़ा मोटी मोटी अरबी ली है, इसको हम पहले बॉईल कर लेते हैं। हमने जैसे यहाँ पे ये बॉईल करके अरबी रखी हैं, इनको अब हम छील लेते हैं। ये हमने सारी अरबी को छील लिया है, अब हम इसके पीसेस कट करते हैं, इसे गोल गोल पीसेस इस तरीके से थोड़े मोटे मोटे कट करते हैं। और हमने एकदम हलवा नहीं करा है अरबी को, थोड़ा सा ही रखते हैं जैसे कि हमारे पीसेस कट होके आ जाए। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, कढ़ाई गैस पे रखते हैं, इसमें हम 1 स्पून ऑयल डालते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए, इसमें हम 3/4 स्पून अजवाइन डाल देते हैं। अगर आप व्रत में अजवाइन नहीं खाते तो आप जीरा डाल सकते हैं, अगर कुछ नहीं खाते तो आप रहने दे सकते हैं। ये हमने बारीक कट की हुई हरी मिर्च डाली है, वो इसमें हम डाल देते हैं। इसके बाद इन दोनों तीनों चीजों को हम भून लेते हैं। जब ये हमारी भून जाए तो अब इसमें हम डाल देते हैं, हमने ये जो कट करके अरबी रखी थी वो इसमें हम ले जाकर जो है डाल देंगे। ये हम सारी अरबी इसमें डाल देते हैं और फिर अरबी को इसमें खूब अच्छे से भून लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से अरबी पक कर आए और सारे मसाले वगैरह भी इसमें बाद में अभी हम जो डालने वाले हैं वो अच्छे से सेट होकर आए। थोड़ा अच्छी तरीके से हम चलाते हुए मीडियम गैस पे इसे भून लेते हैं। ये हमारी देखिए अरबी थोड़ी भुन गई है, अच्छी तरीके से हमने इसमें भून लिया है। तो अब हम डालेंगे सारे जो हमारे मसाले हमने तैयार किए हैं इसमें डालने के लिए, वो इसमें हम डालते हैं। तो इधर मसाले के लिए हमने सबसे पहले ये लाल मिर्च पाउडर लिया है, वो इसमें हम डाल देते हैं। अगर आप व्रत में लाल मिर्च नहीं खाते तो आप रहने दे सकते हैं। ये हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, वो भी इसमें हम डाल देते हैं। सेंधा नमक है, ये जो व्रत वाला नमक होता है वो इसमें हमने डाल दिया है। और इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद खूब अच्छी तरीके से इसे भूनते ताकि हमारे मसाले जो है इसमें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, अरबी पे अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और ताकि हमारी ये जब भी हम किसी को भी सर्व करें अरबी की सब्जी, उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे और खाते ही उसको मज़ा आ जाए। ये हमने सारे मसाले अच्छी तरीके से इसमें भून लिए, अच्छी तरीके से इसमें सेट कर लेंगे हम। बिल्कुल तैयार हो गई है ये हमारी अरबी की सब्जी। तो इसके बाद इसमें लास्ट में हम धनिया पत्ती डाल देते हैं, धनिया पत्ती। और हमने ये नींबू का रस डाला है 1 स्पून। 1 स्पून नींबू का रस भी आप गैस बंद करने के बाद ही डालिएगा। गैस इसलिए हम नींबू का रस डाले क्योंकि जैसे कि अरबी की सब्जी थोड़ी खट्टी होती है तो अच्छी लगती है। इसमें व्रत की हम सब्जी बना रहे हैं, अमचूर पाउडर डाल नहीं सकते, इसलिए नींबू का रस और एंड में धनिया पत्ती हमने डाल दी है। अब हम दूसरी तरह की अरबी सब्जी बनाने के लिए, इसके लिए हमने ये पहले से ही उबाल के और छील कर अरबी ली है। जैसे हमने पहले ही सब्जी के लिए उबाली थी तो हमने इसके लिए भी उबाल के और छील के रख ली थी। इसको हम थोड़े लंबे लंबे पीसेस में कट करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने किस तरीके से पीसेस में कट किया है। इस तरीके से हमने ये सारे अरबी को पीसेस में कट कर लिया है। ये हमारी सारी अरबी कट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि एक कढ़ाई गैस पे रखते हैं और इसमें सबसे पहले हम 1 स्पून ऑयल डालते हैं। ये हम थोड़ी लिपटमा सब्जी बना रहे हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, एक बार इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हम फिर से वही अजवाइन डालते हैं और आप जैसे मैंने पहले बताया था अजवाइन ना हो तो जीरा डाल सकते हैं। ये हमने बारीक कट करके अदरक ली है, वो इसमें हम डाल देते हैं। और ये हमने चॉप करके हरी मिर्च ली है बारीक कट की हुई, वो भी इसमें हम डाल देते हैं। और इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरीके से इसमें भून लेते हैं, अच्छे से चलाते हुए इसे भून लेते हैं। इसमें अब हम ये अरबी डाल देते हैं, ये जो हमने कट करके रखी थी वो अरबी इसमें हम डाल देते हैं। और अरबी डाल के इसे खूब अच्छी तरीके से चलाते हुए हम भून कर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से हम इसे चलाते हैं अरबी को, भून के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने अरबी बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाते हुए भून ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं खूब अच्छी तरीके से हमने अरबी को भून लिया है, बिल्कुल तैयार कर ली है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। ये 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दी हमने और इसके बाद हम इसमें डालते हैं काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर से अरबी की सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अभी हम इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं जिसके बाद ये अरबी की सब्जी बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक बन के आएगी, एक बार आप इसे देखते जाइए। अब हमारा जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो इसमें हम डालेंगे, वो है हमारा दही। ये हमने बिल्कुल एकदम गाढ़ा मथा हुआ दही लिया है, ये देखिए एकदम गाढ़ा मथा हुआ दही लिया है, ये इसमें हम डाल देंगे। और दही डालते ही हम इसको चलाते रहेंगे, अच्छी तरीके से हम इसे भूनते जाएंगे ताकि हमारा दही जैसे फटे नहीं, और इसे खूब अच्छे से चलाना जब तक कि दही में एकदम उबाल सी ना आने लगे। इस तरीके से हम इसे दही को चलाते रहते हैं, अच्छी तरीके से हमें इसे दही को चलाना होता है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब।
ये देखिए हमने खूब अच्छी तरीके से इसे चला लिया है, भून लिया है। ये हमारे इसमें दही में जैसे थोड़ा थोड़ा उबाल भी आने लग गया है, तो अब इसे हम छोड़ सकते हैं, वरना तब तक आप उबाल ना जाए तब तक इसे आपको चलाते रहना होता है। तो इसमें अब हम डाल देते हैं सेंधा नमक, ये जो व्रत वाला नमक होता है, और इसे खूब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल यूनिक और हटकर सब्जी, देखने में भी कितनी स्वादिष्ट लग रही है। ये हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, सब चीज़ें हमने ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को तो हम बंद कर देंगे और इसमें लास्ट में हम डाल देंगे धनिया पत्ती, जो कि आपकी ऑप्शनल रहती है, आप डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते। हमारी ये दूसरी टाइप की अरबी की सब्जी तैयार है। अब हम तीसरी टाइप की अरबी की सब्जी बनाएंगे। तो तीसरी टाइप की अरबी की सब्जी के लिए ये हमने दो तरह से अरबी को उबाला है। कुछ अरबी तो थोड़ी हमने हार्ड रखी है ताकि इसका हलवा ना हो जाए, और दो अरबी हमने ऐसी ली है कि थोड़ी एकदम ज़्यादा सॉफ्ट, हमें उसे हलवा ही करना होता है। जैसे कि आलू को मैश करते हैं वैसे ही हमें अरबी को मैश करना होता है। हमने ऐसा क्यों किया है वो अभी आप देखते जाइए, हम अभी बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है। ये देखिए हमने ये दो अरबी को थोड़ा अच्छी तरीके से मैश कर लिया है हाथ से, और बाकी की अरबी हमने ये कट करके रखी है। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमने ये यहाँ पे लिए है एक कढ़ाई, कढ़ाई गैस पे रखी है, इसमें हम एक स्पून ऑयल डालते हैं, और ऑयल में ही हम जैसे गर्म हो जाए तो इसमें हमने ये अजवाइन डाल दी है। उसके बाद इसमें हम डालते हैं ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फिर हमने ये डाली है कद्दूकस की हुई अदरक, इसमें आप कद्दूकस करके ही अदरक डालें तो अच्छी लगेगी। और इन दोनों चीज़ों को हम तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से इसमें भून लेते हैं। ये हमारी बिल्कुल भुन गई है, तो इसके बाद इसमें अब हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर को भी डालने के बाद इसमें खूब अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं। अभी सिर्फ हमने लाल मिर्च पाउडर डाली है, बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। और इसमें अभी हम डाल देते हैं पानी, अभी हमने थोड़ा पानी डाला है, अभी हम थोड़ा और डालना चाहें तो अभी हम बाद में डाल देंगे, अभी हम थोड़ा सा ही डालते हैं। ये पानी डालने के बाद ये जो हमने मैश करके अरबी रखी थी वो डाल देते हैं, और ये जो हमने कट करके अरबी रखी थी वो भी इसमें हम डाल देते हैं। अब मैं आपको बता दी हमने मैश करके क्यों अरबी रखी थी। हमने मैश इसलिए की थी क्योंकि इसमें हम जैसे कि हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो उसमें हम टमाटर वगैरह तो डाल नहीं सकते, जिससे कि हमारी सब्जी में थोड़ा गाढ़ापन आ जाए और वो आपस में मिक्स हो जाए। अरबी मैश करने से क्या होता है कि इसका पानी अलग और अरबी अलग नहीं दिखती है, थोड़ा गाढ़ापन भी आ जाता है और खाने में भी टेस्टी लगती है, इसे पानी पानी सा नहीं लगता, इसलिए हम अरबी को मैश करके डालते हैं। इसमें अब हम डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद इसको हम खूब अच्छी तरीके से जैसे कि मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे, खदकने देंगे, ताकि हमारी अरबी की सब्जी अच्छे से बनकर आए, सेट होकर आए। इसे खूब अच्छी तरीके से हमें उबाल लेना होता है, इसमें खदका लेना होता है, और इसे हम चलाते रहते हैं। ये देखिए हमारी इसे अरबी और आप देख रहे हैं पानी मिक्स हो चुके हैं, ऐसे अलग अलग नहीं लग रहे। अगर आप अरबी मैश नहीं करेंगे तो वो अलग अलग दिखेंगे, तो खाने में भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो ये खास करके स्पेशल ट्रिक है ये वाली अरबी सब्जी बनाने की, कि आप अरबी को मैश करके ज़रूर डालें। ये से हमारा इसमें अच्छी तरीके से खदका आ गया है, इसे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो एक मिनट के लिए ढककर भी इसे अरबी की सब्जी को पका सकते हैं। इसे हमने ढक दिया, इससे और जल्दी अच्छी तरीके से हमारी अरबी की सब्जी सेट होकर आती है। बिल्कुल हमारी अरबी की सब्जी सेट हो गई, इसे आप देख सकते हैं सब कुछ आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम डालेंगे जैसे कि हमने ये अरबी की सब्जी है, गैस को हम बंद कर देंगे, इसमें हमने ये नींबू का रस डाल देंगे, और ये हमने धनिया पत्ती डाल देंगे, और इसके बाद हम इसे मिक्स करते हुए हमारी ये तीसरे टाइप की अरबी की सब्जी भी बिल्कुल बनकर तैयार है। इस तरीके से हमारी ये तीन टाइप तरह की अरबी की सब्जी बनकर तैयार है, इन्हें सर्व करेंगे।